द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोग संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। धृतराष्ट्रं को संजय कहिले, हे राजा, अर्जुन को सही परिदुखित अश्रुपूर्ण लोचन और दयाजुक्त देखी श्रीकृष्ण कहिले, भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजोष्टम स्वर्ग्य मकीर्ति करमर्जुन क्लैवं मास्मगमः पार्थ नैत्वत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोतिष्ठ परन्तप। श्री कृष्ण कहिले, हे अर्जुन, यही विपत्ति समय आर्यमानंक पक्षरे अनुपयुक्त स्वर्ग गतिरोधक अख्यातिकर यही मोह तुम आसला क्योंठु? हे पार्थ, तुम्हें एपरि कातर हो नहीं, एभली कातरता तुमठारे शोभा पाओ नहीं। सखा, हृदय यही असार दुर्बलता त्याग करि युद्ध पई प्रस्तुत हुआ। अर्जुन वाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्थामि पूजार्हावसिशूदन गुरुनः त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनीहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीगधान्। अर्जुन कहिले, हे पार्थ सारथी, मुं किपरि हे युद्धरे भीष्म और द्रोण को लक्ष्य करी शर प्रयोग करिबि? हे शत्रु विमर्दन, सेमाने परा मोर पूजनीय महानुभव गुरुजन मानंकु बध न करी ए संसार रे भिक्षा लब्ध अन्न भोजन करिबा श्रेयस्कर, किंतु गुरुजन मानंकु हत्या करी एही संसार रे केवल रक्त लिप्त अर्थ काम आदि भोग्य वस्तु सब मते भोग करिबा खब। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानु जयेयुः याने वहत्वान् जिजीविषाम स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म संमूढचेतः यच्छ्रेयः श्यान्यश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्।
ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଜୟଲାଭ କରୁ ଅଥବା ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇ କଥା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଆମମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ, ସେହି କୌରବମାନେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚି ରହିବି, ଏହି ଚିନ୍ତାଜନିତ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିରେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ଶରଣାପନ୍ନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳଜନକ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ କହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं शुराणामपि चाधिपत्यम्। पृथ्वीरे ଶତ୍ରୁ ଶୂନ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେବଲୋକର ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶୋକ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିଶୋଷଣ କରୁଛି ତାହା କିପରି ନିବାରିତ ହେବ ମୁଁ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परं तपः न योत्सैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଶତ୍ରୁମର୍ଦ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିସାରି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ପୁନଶ୍ଚ କହି ମୌନ ହୋଇ ରହିଲେ। ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଶୋଚ୍ୟାନନ୍ୱଶୋଚସ୍ତ୍ୱମ୍ प्रज्ञावादांश भाषसे गतासो न गतासोंश्च नानुशोचन्ति पंडितः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे भयमतः परम्। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରି କଥା କହି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଶୋକ କରୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ, ମୁଁ ଆଉ ଏହି ରାଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା। ଏହିପରି ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ମରଣ ହେର ବୋଲି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। था देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्ताम् ସ୍ୱଭାରତ। ଯେପରି ଦେହାଭିମାନୀ ଜୀବର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ବାଲ୍ୟ ଯୌବନ
ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ସେହିପରି କାଳର ଗତିରେ ଅନ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ତହିଁରେ ଶୋକାଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ହେ ସଖା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ମାତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଅନିତ୍ୟ ଅତଏବ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଏସବୁକୁ ସହ୍ୟ କର ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख जो बुद्धिमान व्यक्ति को विचलित करी पारंती नहीं सही मुख्य लाभर योग्य होंगे अनित्य वस्तुर स्थायित्व नहीं नित्य वस्तुर नाश नहीं तत्व ज्ञान संपन्न व्यक्ति मान द्वारा उभयर शेष सीमा पर्यालोचित हो अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत जहां को द्वारा यही समस्त जगत परिव्याप्त से ही परमात्मा को विनाश रहित बोली जानिब केही यही अव्यय आत्मार विनाश करने को समर्थ हुए नहीं नित्य स्थायी अमृत ज्ञानातीत आत्मार सुख दुखादि युक्त यही देह सब विनाशशील अतएव हे अर्जुन तुम्हें युद्ध कर यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैन्यं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे जो व्यक्ति आत्मा को हत्याकारी बोली जानते एवं जे यहा को हत बोली मन करते से दुहे प्रकृत तत्व विषय रे किछि जानते नहीं कारण यही आत्मा कहा को मारे नहीं किंबा कहारी द्वारा मरे नहीं यही आत्मा कदापि जन्म हुए नहीं किंबा मरे नहीं अन्यान्य लौकिक वस्तु परि जन्म होई अस्तित्व लाभ करे नहीं यही आत्मा जन्म रहित क्षय रहित रूपांतर शून्य एवं सर्वदा एक रूप देह नष्ट हेले मध्य आत्मा नष्ट हुए नहीं
सर्वविदा विनाशिनं नित्यं येन मजव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि हे अर्जुन जो व्यक्ति ये आत्मा को जन्म रहित क्षय शून्य ध्वंस विहीन एवं नित्य बोली जानती से ही व्यक्ति कहा को अन्य द्वारा बध करती बा निजे बध करती मनुष्य जेपरी पुरातन वस्त्र को परित्याग करी नूतन वस्त्र को ग्रहण करे से ही परी यही आत्मा जराग्रस्त शरीर को परित्याग करी अन्य नूतन शरीर धारण करे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयान्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणो रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदेत्वैनं नानुशोचितुमर्हसि कौनसी अस्त्र ये आत्मा को छेदन करिपारे नहीं अग्नि यहाँ को दग्ध करिपारे नहीं जल यहाँ को आर्द्र करिपारे नहीं एवं वायु यहाँ को शुष्क करिपारे नहीं यही आत्मा अच्छेद्य अदग्ध एवं अशोषणीय यही आत्मा अविनाशी सर्वव्यापी स्थिर स्वभाव अचल एवं चिरंतन यही आत्मा इंद्रिय मानकर अगोचर यह अचिंतनीय एवं विकार रहित अतएव तुम्हें एथिपाई शोक प्रकाश करिबा उचित नहि अथ चैनम नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि हे वीरश्रेष्ठ जदि यही आत्मा प्रत्येक शरीर उत्पत्ति संगरे जन्म हुआ एवं प्रत्येक शरीर विनाश संगे मृत हुआ तेबे तुम्हें एथिपाई शोक करिबा उचित नुहे जेहेतु जात होइथिबा प्राणीर मरण निश्चित एवं मृत प्राणीर जन्म मध्य निश्चित से ही हेतु यही जन्म मरण विषय तुमर शोक करिबा उचित नुहे अव्यक्तादीनि भूतानि
व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित् हे अर्जुन प्राणी माने जन्म पूर्वरु निजर स्थिति संपर्क रे अज्ञात थांति जन्म ठार मृत्यु पर्यंत मध्यकाल संपर्क रे ज्ञात थांति पुणि मृत्यु परे अव्यक्त होंति एणु सेथिरे शोक करिवार कारण नाहि केहि एहि आत्मा को आश्चर्य रूप रे देखंति सेहि परे अन्य केहि आत्मा को आश्चर्य भाव रे वर्णना करंति केही बा आत्मा को आश्चर्य रूप से श्रवण करते केही सुनिले मध्य यही आत्मा को जानी पारंते नहीं। मधुयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन प्राणी मानंको देहरे अवस्थित यही आत्मा सर्वदा अवध्य से ही हेतु कौनसी प्राणीर देहर विनाश रे तुमर शोक करिबा उचित नुहे पुणी स्वधर्म कथा विचार कले तुम्हें विचलित होवा उचित नुहे जेहेतु क्षत्रिय पक्षरे न्याय युद्ध अपेक्षा अन्य मंगल साधन किछि नाही। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पाप मवाप्सि। हे अर्जुन आपण इच्छारे उपस्थित उन्मुक्त स्वर्गद्वार सदृश यहीपरि युद्ध केवल सौभाग्यवान क्षत्रिय माने ही लाभ करिथांति आउ तमे जदि यही युद्ध न कर तबे क्षत्रिय धर्म और कीर्ति हराई पापरे भागी हब। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरन्तं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पुणि लोकमाने चिरकाल तुमर निंदा गाई बोलिबे जणे सम्मानित व्यक्ति पक्षरे निंदा मृत्यु अपेक्षा अधिकतर दुखदायक भीष्म द्रोण दुर्योधन आदि महारथी माने भय हेतुरु तुम्भे युद्धरु विरत हेला बोली मने करिबे
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନାଦର ଲାଭ କରିବ। वाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तुम्हर शत्रु माने तुम्हर निंदा करी अनेक अकथ्य भाषा कहिबे ताहा अपेक्षा अधिक दुख आउ कौन अछि। हे पार्थ, एही धर्म युद्ध रे निहत हेले तुम्हे स्वर्गलाभ करिबे एवं जयी हेले पृथ्वी भोग करिबो। तेणु युद्ध करिया पई स्थिर संकल्प हे। दुखे समी कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता शांखे बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। सुख दुख लाभ क्षति जय पराजय एमानक समान भावी युद्ध पै प्रस्तुत हुआ। एपरि कले तुमर पाप हेब नहीं। हे अर्जुन, तुमको आत्मतत्व विषयक ज्ञान आंभे कहिलु। वर्तमान कर्मजोग कथा कहुछि। निष्काम कर्मजोग विषयक एही ज्ञान लाभ कले तुम्हें कर्म बंधन रु मुक्त हो। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाख्याह नंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। एही निष्काम कर्म जोगरे कौनसी प्रकार चेष्टा विफल हुए नहीं आउ मध्य एथिरे कौनसी विघ्न नहीं। एही निष्काम कर्म जोगरो अल्प किछि पालन कले मध्य जन्म मृत्युर महाभयरो परित्राण मिले। हे अर्जुन, एहि निष्काम कर्मजोगरे परमेश्वरंक ठारे भक्ति द्वारा ही निश्चय मु उद्धार लाभ करिबे। एपरि निश्चयात्मक बुद्धि एकनिष्ठ होइथाय। किंतु ईश्वर विमुख सकाम व्यक्ति मानंकर बुद्धि सब अनंत कामनावशतः अनेक शाखाजुक्त होइथाय। पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जेओ अज्ञानी माने वेदर सकाम कर्म प्रशंसारे अनुरक्त से माने विश्वास करंती जे सकाम कर्म व्यतीत अन्य किछि नाही, से माने कामना युक्त एवं स्वर्गकामी। तेणु जन्म रूप कर्म फल प्रदानकारी एवं भोग ऐश्वर्य लाभर उपयोगी विविध क्रियाकलापर प्रशंसा करंती, जेओ मानकर चित्त सही सब मनोरम वाक्यरे विमुक्त एवं भोग ऐश्वर्य आसक्त, से मानकर बुद्धि एक विषय रे स्थिर रही पारे नहीं। वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वास्थो निर्योगक्षेमात्मवान्, यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हे अर्जुन, कर्मकांड प्रचारक वेद सबु त्रिगुणात्मक, अर्थात सकाम लोकमानंकर कर्मफल सिद्धिकारक। तुम्हें कामना शून्य होइ सर्वदा सत्वगुण को आश्रय कर। न मिलिबा पदार्थ प्राप्तिर नाम योग, ओ प्राप्त पदार्थर रक्षण को क्षेम कहुए। तुम्भे यही दुई विषयर बासना त्याग करी आत्मज्ञान परायण हो। चतुर्दिग जल रे प्लावित हेले कूप पुष्करिणी प्रभृति जलाशयर जेपरी कौनसी प्रयोजन न थाए, सेपरी जे प्रकृत ब्रह्मज्ञ पुरुष तांक पक्षरे कर्मकांड प्रचारक वेद सबुर कौनसी प्रयोजन न थाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भोर्माते संगोस्त्वकर्मणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनं जय, सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्म करिवारे तुम्हर अधिकार अछि, कर्मर फलरे तुम्हर अधिकार नाही। तेणु कर्मफल जेपरी तुम कर्म प्रवृत्तिर हेतु न हुए, आउ मध्य कर्म त्यागरे जेपरी तुम्हर प्रवृत्ति न हुए। हे अर्जुन, कर्मफलर आसक्ति त्याग करी सिद्धि और असिद्धि को समभाव ज्ञान करी कर्म कर। सिद्धि और असिद्धिर समभाव को ही योग कहा जाए। कर्म बुद्धि योगाधनं जय, बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः, बुद्धियुक्तो जहातीह
उहे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम्। हे धनंजय, जेहेतु सकाम कर्म निष्काम कर्म अपेक्षा अत्यंत निकृष्ट, तेणु तुम्हें कामना शून्य होए समत्व बुद्धि आश्रय ग्रहण कर। जो माने फल पाइबापी इच्छा करी कर्म करती से माने अति निकृष्ट। समत्व बुद्धि युक्त निष्काम कर्मी यही जीवन रे पाप और पुण्य उभयर मुक्त होंगे। तेणु तुम्हें निष्काम निजोग पाई जत्न कर, समता ही कर्मर कौशल। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगमवाप्स्यसि। समत्व बुद्धियुक्त निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी माने कर्मजात फल त्याग करी जन्म रूप बंधन रु मुक्त होंते एवं सर्वप्रकार उपद्रव शून्य विष्णुपद लाभ करते। जेतबले तुम्भ बुद्धि मोह रूप कलुष अतिक्रम करिव सेतबले तुम्भे श्रवण योग्य विषय रे एवं शुणिथिबा विषय रे वैराग्य प्राप्ति हेबो। जेतबले तुम्भर बुद्धि वेदर नाना प्रकार अर्थवाद द्वारा विचलित न होई परमेश्वरंक ठारे स्थिर रहित सेतबले साम्य बुद्धि रूपक योग फल अर्थात आत्मज्ञान तुमे लाभ करिब। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं। अर्जुन कहिले हे केशव, समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति लक्षण कौन? स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किपरि भाव कथा कहती, किपरि अवस्थान करती एवं से किपरि गति करती अर्थात से किपरि विषय लिप्त था। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मनिरुच्यते। श्री कृष्ण कहिले हे पार्थ, जीव जेतेबेळे अंतर वासना सब को परित्याग करती एवं आत्मारे परमानंद स्वरूप दर्शन करी परितुष्ट होती सेतेबेळे से स्थित प्रज्ञ बोली कथित होती। दुख रे जे उद्विग्न हुए नहीं, सुख उपस्थित हेले मध्य जे निस्पृह, जो व्यक्ति स्नेह भय और क्रोधर विमुक्त ताहांकु ही स्थित प्रज्ञ मुनि कहा जाए। यह सर्वत्रानभि स्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जे सबु विषय रे ममता शून्य सही जड़िय विषय रे शुभ ओ अशुभ लाभ कले मध्य जे आनंदित बा दुखित हुवंते नाही ताहांकर बुद्धि स्थिर अर्थात से स्थित प्रज्ञ कहीं जेपरि आपणा रंगमान संकुचित करनीए सही परि जेउ ज्ञाननिष्ठ योगी शब्दादि विषय रो इंद्रिय मानक प्रत्याहार करनियंती से स्थित प्रज्ञ अटंती। वृद्ध रोगी बा उपवास परायण लोक इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करिबारे अक्षम से विषय ग्रहण रो निवृत्त होंती सत्य मात्र ताहांकर विषय तृष्णा निवृत्त होइ नथाय किंतु परमात्मांक दर्शन मिलिले तांकर विषय तृष्णा मध्य निवृत्त होइ जाय। कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ताशीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन मुख्य निमित्त यत्न करुथिबा विवेकी पुरुषर मनकु मध्य इंद्रिय माने बलपूर्वक आकर्षण करन्ते तेनो योगाभ्यास करुथिबा व्यक्ति सेही सबु इंद्रिय माननकु उत्तम रूपे दमन करी मोठारे स्थिर भावरे मनोनिवेश कले इंद्रिय माने वशीभूत होइथान्ते सेमाननकु स्थित प्रज्ञ कुहाजाय। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते रागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। विषय सब चिंता करी करी मनुष्यर सही सब विषय रे आसक्ति जन्मे आसक्ति रु कामना जात हुए एवं कामना रु क्रोध जात हुए क्रोध रु अविवेक अविवेक रु स्मृति विलोप एवं स्मृति विलोप रु मनुष्यर सद विचार बुद्धि नष्ट हुए विचार बुद्धि नष्ट हेले मनुष्य पुरुषार्थर अयोग्य हुए किंतु जितेन्द्रिय पुरुष स्नेह शत्रुता त्याग करि मनर वशीभूत इंद्रिय मानक द्वारा विषय भोग कले सुद्धा शांति लाभ करते।
विषादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि चित्त प्रसन्न हेले सब प्रकार दुख दूर हो जाए कारण शुद्ध चित्त व्यक्ति मानंकर मति शीघ्र आत्मस्वरूप प्रतिष्ठित होता है जोग विजुक्त व्यक्तिर विवेक बुद्धि न थाए एणु से माने भक्ति शून्य होती यही भक्ति शून्य व्यक्ति शांति पाए नहीं अशांत व्यक्ति केमिति बा सुख पाइब विषयासक्त इंद्रिय मानंक मध्यरु जो गोटे मात्र इंद्रिय को मन अनुगमन करे, सही इंद्रियटी वायु जलरे नौका को ठेली नहीं जीवापरी अजितेन्द्रिय व्यक्तिर बुद्धि को हरण करे। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हे अर्जुन सही कारणरो जहांकर इंद्रिय माने इंद्रिय मानंक विषयरो सर्वोत भावे निवृत्त हुई अछंते ताहांकर बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात से स्थिर बुद्धि अटंती जो आत्मनिष्ठा साधारण जीव मानंक पक्षरे रात्रि स्वरूप सही आत्मनिष्ठारे संयमी व्यक्ति माने जाग्रत थांती जो विषय निष्ठारे प्राणी माने जाग्रत थांती ताहा ही आत्मतत्वदर्शी ज्ञानी मानंकर रात्रि स्वरूप जेपरी पूर्ण होइथिबा समुद्र रे अन्य जलराशि प्रवेश कले से निश्चल थाए सेहिपरी इंद्रिय भोग्य विषय सबु जेउ मुनिंक ठारे प्रवेश करे से शांति लाभ करे भोग कामना करुथिबा व्यक्ति ताहा पाए नहीं। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो व्यक्ति समस्त कामना त्याग करी अभिलाष शून्य अहंकार शून्य ममता शून्य होई विचरण करती बा विषय भोग करती से शांति लाभ करती।
हे अर्जुन यहाँ ब्रह्मज्ञान निष्ठा बोली कहते यहाँ प्राप्त हेले मानव संसार मोहरे मुग्ध हे ना मरण समय रे मध्य यही अवस्था रे रही पारे परम पदरे लीन हूँ। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।